दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं INT हिंदी टेक चैनल में। और अभी आप अपने स्क्रीन पर जो क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं वो एक्सिस बैंक का गूगल पे एज क्रेडिट कार्ड है। गूगल पे और एक्सिस बैंक पार्टनरशिप के साथ ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है और आपको इसमें 5% की कैशबैक बिल पेमेंट और रिचार्ज पर मिलता है और 2-4% की कैशबैक सभी प्रकार के स्पेंड पर, और ऊपर में बताया गया है अनलिमिटेड कैशबैक। तो अब ये अनलिमिटेड कैशबैक कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है उस पर भूल जाइए, क्योंकि बहुत बुरी खबर है, बैड न्यूज है और बड़ा झटका जो है एक्सिस बैंक के तरफ से दिया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि 5% की कैशबैक बिल पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इंटरनेट और भी सारी चीज़ों का बिल पेमेंट करेंगे तो उस पर मिलेगा। साथ ही साथ DTH और मोबाइल रिचार्ज गूगल पे एप्लीकेशन के वाया ये करते हैं तो आपको मिलते हैं 5% की कैशबैक। 4% की कैशबैक स्विगी, जोमेटो और ओला पर, वही 2% की कैशबैक ऑल अदर स्पेंड पर। साथ ही साथ नीचे में ये भी लिखा गया है कि कोई भी अपर लिमिट नहीं है कैशबैक का, मतलब कोई भी कैपिंग नहीं है। और ऊपर में लिखा गया है अनलिमिटेड कैशबैक ऑन एवरी स्पेंड। तो बात तो सही है, लेकिन अब यही जो है अपडेट किया गया, जो कि 15 जून 2023 से इसमें कैपिंग लगाया गया 500 का, जो कि 5% कैशबैक वाला में भी और 4% कैशबैक वाला में भी, जो कि दोनों को मिलाकर आपको मैक्सिमम 500 ही मिल पाएगा। वही 2% की अनलिमिटेड कैशबैक वाला में अनलिमिटेड रहेगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे 5% वाला में आपने 5,000 रुपया का स्पेंड किया तो 5% के अनुसार से आपको 250 रुपया मिले, राइट। 4% वाला में 10,000 रुपया आपने स्पेंड किया तो 4% के अनुसार से आपको 400 रुपया मिले, राइट। वही 2% अनलिमिटेड वाला में 10,000 रुपया आपने स्पेंड किया तो आपको 200 रुपया का कैशबैक मिला। टोटल अगर आप देखोगे तो 400 और 250, यानी 650 प्लस 200, यानी कि 850। लेकिन आपको मिलेगा कितना? तो मात्र आपको मिलेगा 500 प्लस 200। ये 400 250 जो है, यानी 650 आपको नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा कैपिंग के साथ 500 रुपया। और ये 2% अनलिमिटेड जितना भी हो जाए उतना आपको मिलेगा, तो 200 का 200 यहाँ पर दे दिया गया। तो इस अनुसार से अगर आप ऐड करोगे तो 700 रुपया। उसी प्रकार से यहाँ पर EMI ट्रांजेक्शन वगैरह के बारे में भी बताया गया है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे कि भाई कितना रिटर्न आ रहा, कितना स्पेंड हो रहा, मतलब रिटर्न वाला या फिर रिफंड वाला उसे कट कर दिया जाता है। तो 5% की कैटेगरी में अगर आप 11,000 रुपया स्पेंड करते हैं तो 550 कैशबैक। वही 4% की कैटेगरी में 15,000 रुपया स्पेंड करते हैं तो 600 कैशबैक। तो टोटल आप देखोगे तो 1,150 होता है, लेकिन इसमें से आपको मात्र 500 मिलेगा। अब आप इसमें से 500 समझिए या फिर इसमें से 500 समझिए, मात्र आपको 500 मिलेगा और बाकी 2% की अनलिमिटेड वाला 200 जो होता है, जैसे 10,000 आपने स्पेंड किया उसमें, तो ये 200 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर डिटेल के साथ मैंने बता दिया है। वैसे आपको अपडेट पसंद तो नहीं आया होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, यही अपडेट है जो वीडियो मैंने बनाया। और MCC यानी मर्चेंट कैटेगरी कोड कुछ ऐसे कैटेगरी है जिस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेंगे, कैशबैक डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे रेंट पेमेंट हो गया, फ्यूल हो गया, वॉलेट ट्रांजेक्शन हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फी हो गया, साथ ही साथ रेंटल कमीशन हो गया, ठीक है, वॉच, क्लॉक, ज्वेलरी, ये सभी पर आपको नहीं मिलेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी पेमेंट होगा उस पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई अदर क्वेरी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यही अपडेट था, मैंने आपको जानकारी दिया। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। अपडेट पसंद आए ना आए, भाई बुरी खबर तो है ही, लेकिन मैंने आपको अपडेट दिया है। मिलता हूँ नए वीडियो में। धन्यवाद।